तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लीपलेस ए आई के ए आई टोकन के प्राइस मूवमेंट के बारे में अपडेटेड लेवल्स एंट्री पॉइंट्स और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स का रहेंगे कैटली क्वान वन पॉइंट थ्री सेवन पर ट्रेड कर रहा है रिसेंट डंप के बाद से एक अच्छा खासा मूवमेंट इसके प्राइस में देखने को मिल रहा है जहाँ पर उस लेवल से पिछले चार पाँच दिनों में इस कॉइन ने फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा का मूव लिया है और हमने आपको प्रीवियसली एंट्री लेवल्स बताए थे वहाँ से अगर आपने बाई किया है तो आपके पोर्टफोलियो में थर्टी फोर्टी परसेंट का प्रॉफिट होगा साथ के साथ में जो टारगेट्स बताए थे उनको भी कॉइन ने हिट किया है अभी Coin के नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे कहां तक प्राइस जा सकती है और जिन्होंने एंट्री नहीं ली है वो किस लेवल पर प्राइस आने पर एंट्री ले सकते कौन से बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके क्रिप्टो क्वारीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो लोसेस से बचना चाहते हैं उन स्टॉक पर डी करके ज्वाइन कर सकते हैं इन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है 1.37 पर अभी ट्रेड कर रहा है 1.4 पॉइंट वाला लेवल अभी इसको हमने ट्राई किया और डेली का चार्ट ओपन किया तो रिसेंटली इसको हमने यहाँ पर जीरो पॉइंट नाइन फोर वाला लो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ऑफ जनवरी को बनाया था उसके बाद से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिला वन वन पॉइंट वन तक प्राइस चली गई थी उसके बाद ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फिफ्थ को वापस जीरो पॉइंट नाइन एट वाला लो बनाया थाने वन यू एस सी से नीचे नीचे प्राइस हमें देखने को मिली थी जिसमें हमने आपको नाइनटीन ऑफ जनवरी ट्वेंटी फोर ऑफ जनवरी को रिसेंटली एंट्री शेयर की थी और वहाँ से जिन्होंने भी बाई किया है उनके पोर्टफोलियो में 30-40 परसेंट का प्रॉफिट होगा साथ के साथ में जो टाइगर्स हमने दिए हैं वो भी हिट हुए हैं डेली का चार्ट ओपन करें तो हाल ही में बिनास पर स्क्वैड की लिस्टिंग हुई थी बिनास लांच पुल का प्रोजेक्ट है एआई बेस्ड टोकन है और वेब थ्री प्लस एआई गेमिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ अगर बात करें तो लिस्टिंग के बाद हमने इसको एन में तीन बार प्रॉफिट जनरेट किया है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्टिंग को भी दिसंबर के एंड जनवरी के स्टार्टिंग में इसकी लिस्टिंग हुई थी जनवरी के स्टार्टिंग में एक या दो तारीख को लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के साथ ही इस ने अच्छा मूव लिया था टू वाला लेवल ट्राई किया था जिनको एयर ड्रॉप मिले मैंने सजेस्ट किया था कि भाई एयर ड्रॉप को आपको होल्ड रखना है एयर ड्रॉप को आपको लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है और जिन्होंने एंट्री ली थी किसी लेवल पर उनके भी हमने अच्छे खासे लेवल पर प्रॉफिट जनरेट करवाया पर पर 1.67 प्राइस गई थी लिस्टिंग के साथ ही हमने आपको टारगेट बताए थे जिसमें और और वाले थे। उनको ने यहां हिट किया था और हमने प्रॉफिट जनरेट किया फिर यहां से मिला बीटीसी में बनाया था वहां पर हमने आपको तीन लेवल के थी पॉइंट थी 1.2, 1.1 और 0.90 की तो इन लेवल्स पर हमने बाय किया ऑफ तो जनवरी को हमने बाय किया और वहां से जो क्विक टारगेट बताए थे 1.3 और 1.4 45 को इसको इन एज़ इट इज़ सेट किया उसके पाँच छः दिन बाद हमने 13 को भी वीडियो शेयर किया था वहाँ पर हमने आपको लेवल्स बताए थे वहाँ पर भी हमें एंट्री मिल गई थी यहाँ और हमने प्रॉफिट जनरेट किया जिन्होंने भी प्रॉफिट इसको एन में प्रीवियसली हमारे वीडियोस वोच करके जनरेट किया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं फिर अभी हमने आपको नाइन्थ ऑफ तो जनवरी को वीडियो शेयर किया था नाइनटीन ऑफ तो जनवरी ट्वेंटी को नाइनटीन को मैंने एंट्री बताई थी वन पॉइंट जीरो और जीरो की दो लेवल की एंट्री बताई थी जीरो पॉइंट नाइन फोर तक का लेवल इसने हिट किया था उसके बाद थोड़ा मूव करना स्टार्ट किया था स्क्वाइन ने ट्वेंटी फोर को भी हमने वीडियो शेयर किया था भाई मूव करना स्टार्ट कर दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी इस क्वेइन में एंट्री नहीं है एक अच्छी पोस्ट ही है और वन यू की वहाँ भी हमने आपको एंट्री सजेस्ट की थी तो जिन्होंने भी बाय किया अभी उनके टारगेट वन और वन बताए हैं मैंने जिसमें फर्स्ट लेवल के टारगेट को स्क्वाइन ने हिट किया है वन को वहाँ आपने प्रॉफिट जनरेट किया होगा ट्वेंटी का सेकेंड टारगेट वन है जहाँ पर बाकी फोर्टी परसेंट

बाउंस पेक के चांसेस उस लेवल तक प्राइस नहीं आती तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी भले ही आपके पास यूएसडीटी जो है वो वॉलेट में रहे अब मैंने आपको फोर आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है जिसमें मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की है ये लाइंस है जिन लेवल से बार बार इस को हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला यहाँ जब 1.67 वाला लेवल ट्राई किया था उसके बाद प्राइस ड्रॉप हुई और यहाँ जीरो पॉइंट वाला सपोर्ट फोर आवर के अंदर मेंटेन किया उसके बाद ऊपर की तरफ वन वाला एक नॉर्मल रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से एक बार रिजेक्शन फेस करने को मिला फिर प्राइस ने ड्रॉप लिया उसके बाद यहाँ इससे ऊपर जब इस ने की क्लोजिंग कर ली तो फिर इस लेवल से इसने 1.49 तक वाला लेवल जो है वो हिट किया था यहाँ पर फिर 1.45 के अराउंड में यहाँ पर 1.45 के अराउंड में एक इंपॉर्टेंट जो कि डेली के अंदर है और फोर आवर में भी है तो अभी क्या हो रहा है कि इसने वन पॉइंट और टू यू वाला जो लेवल है उस लेवल से ऊपर इसने फोर आवर की क्लोजिंग भी कर ली है और डेली में भी हमने वन से ऊपर ही इसकी क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ एक अच्छे खासा सपोर्ट को मेंटेन कर लिया अब इसके बाद ऊपर वाला जो लेवल है 1.43, 1.45 जो कि डेली में और फोर आवर में रेसेंस लेवल है जैसे ही उससे ऊपर ट्राई करता है 1.45, 1.48 को हमारा सेकंड टारगेट तो हिट होगा ही साथ के साथ में फोर आवर की क्लोजिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे उससे ऊपर वन के अराउंड में क्लोज कर लेता है तो जो प्रीवियस लेवल है वन वाला लेवल इसको ये ट्राई करेगा और हो सकता है कि उसको ब्रेक करके वन पॉइंट तक भी ट्राई करी ये शॉर्ट टर्म में मतलब आने वाले आठ दस दिन के अंदर भी ये मूवमेंट हो सकता है आने वाले चार दिन में भी हो सकता है इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहां से रिजेक्ट नहीं होता है अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर इस लाइन को वापस टेस्ट करेगा जिसमें अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हम आज थर्टी ऑफ जनवरी है और यहाँ अगर टेस्ट करता है तो हम फोर्थ या फिफ्थ ऑफ फरवरी तक फिर इसके प्राइस यहाँ तक ड्रॉप देखने को मिल सकता है फिर बाउंस बैक करेगा और उस बाउंस बैक में फिर नेक्स्ट लेवल की अगर बात करें तो हम इस का जो नेक्स्ट लेवल है वो नाइन्थ या टेंथ ऑफ फरवरी या ट्वेल्थ ऑफ फरवरी तक देखने को मिल सकता है फिर वापस रिटेस्ट करेगा वन पॉइंट फोर को और फिर नेक्स्ट लेवल को ट्राई करेगा तो सीधा सीधा आपको नॉर्मल ये समझना है कि अभी इंपॉर्टेंट रेसेंस लेवल वन

यहाँ से हो सकता है कि अभी ब्रेक करके उन वन पॉइंट सिक्स को ट्राई कर ले या नहीं होता है तो आपका जो टाइम पीरियड है जो होल्डिंग पीरियड है उस होल्डिंग पीरियड में आपका टारगेट हिट होगा अब बात करें एंट्री की कि किस लेवल पर आपको एंट्री लेनी है जिन्होंने एंट्री मिस कर दी देखिए जैसा मैंने आपको बताया 1.45 पॉइंट फोर लेवल है वहां से रिजेक्ट होता है तो 1.2 के टेस्ट करने के चांसेस रहेंगे तो 1.2 पॉइंट वाले लेवल पर आप एंट्री ले सकते हैं 1.2 पॉइंट पर सेवेंटी परसेंट पार्ट से और वन पर बाकी थर्टी परसेंट से एंट्री लेनी है उससे पहले एंट्री की बिल्कुल सोचना ही नहीं है दिमाग में भी नहीं लाना क्योंकि वो आपके लिए रिस्क हो सकती है बी टी फ्लक्चुएट करता है तो वन से भी नीचे जाने के चांसेस रहेंगे जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है इन लेवल पर प्रॉपर एंट्री लेवल लगान। है। और जो बताया है बाई किया है वो उन पर ट्रेड कर ही रहा है तो आपका फर्स्ट टारगेट तो हिट हुआ ही है पार्ट और जिन्होंने बाय किया था प्रीवियसली और प्रॉफिट जनरेट किया या में प्रॉफिट है कमेंट करके जरूर बताएं हमारा मोटिवेशन बनाए रखें और जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है वो हमारी प्रीमियम में में जरूर इनरोल करें वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी क्रिप्टो क्वारीज अपडेटेड लेबल सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो क्रिप्टोलोस से बचना चाहते हो वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद, करिस्क, खुद करिस्क के रिस्क खुद के रिसर्च के हिसाब से करें यहाँ पर हम कोई फाइस एडवाइस नहीं दे रहे हैं वीडियो सिर्फ एजुकेशन परपज़ से है ताकि आपको ओवरऑल को इनसे रिलेटेड नॉलेज हो सके वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू